कुल्लू जिला के नगर की समाज सेवी मीरा आचार्य आज एक ऐसा नाम है जिसका हर कोई कायल है। आपको बता दें कि मीरा आचार्य ने एक संस्था खोल रखी है जिससे वो कई जरूरतमंद लोगों का कार्य कर रही हैं। फिर चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घरेलू हिंसा, दहेज या किसी प्रकार का कोई भी उत्पीड़न उनके पास आए तो वो आगे आकर पीड़ित परिवार का कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए हमेशा आगे रहती है। दिन हो या रात जरूरतमंद लोगों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। बात करें कोरोना काल की तो कोरोना काल में मीरा आचार्य ने अपनी संस्था की महिलाओं के माध्यम से 22,000 मास्क हर छोटे से छोटे गांव में बांटे। मीरा आचार्य और उनकी संस्था ने लोगों की खूब मदद की, चाहे खाने की बात हो या सैनिटाइज की। उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर लोगों की मदद की जिसके लिए उन्हें कई विभाग और संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। इससे पहले भी उन्हें कई राज्य स्तरीय अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। मीरा आचार्य ने बताया कि बुजुर्गों की सेवा जिनका कोई नहीं है और अनाथ बच्चों की पढ़ाई और भी और विधवा महिलाओं की सेवा में वे अपना समय देती हैं। और भी बात करें तो हर पंचायत में जाकर जिनके पास छत नहीं है उनकी भी कार सेवा दल संस्था द्वारा सहायता करवाती हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सरकारों से जुड़े कार्य को निभाना ही उनका मुख्य कार्य है। मीरा आचार्य ने बताया कि उनकी संस्था के माध्यम से समय समय पर रक्तदान शिविर, पौधारोपण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। उन्होंने कहा रक्तदान की बात करें तो वे स्वयं भी जहां लोगों को रक्त की जरूरत होती है वहां पहुंचकर स्वयं अपना रक्त देती है। उनका मानना है कि रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। मीरा आचार्य ने कहा कि हाल ही में संस्था के द्वारा एक कार्य करवाने वाली है जो कि नशे के खिलाफ होगा। पहले भी नशे के प्रति कई अभियान चलाए हैं जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में कच्चे दारू के ढाबे बंद करवाए हैं जो आज के बच्चों को बुरी लत में लपेट रहे थे। अब शीघ्र ही प्रशासन के साथ मिलकर एक जन जागरण नशा अभियान चलाया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी इससे बच सके। मीरा आचार्य ने कहा कि वो आगे भी इसी तरह लोगों की सेवा करती रहेंगी क्योंकि जो लोगों की सेवा करने में सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। इसके लिए हर इंसान को समाज सेवा में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, तभी समाज का उद्धार हो सकता है। समाज सेवा करना एक जरूरी इसलिए है अपने कर्म और अपने धर्म के लिए। क्या होता कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमने क्या लेना है, पर लेना तो कुछ भी नहीं है समाज सेवा के लिए। तो जिसका दिल करता है कि हमने सेवा देनी है वही सेवा करें। हर किसी को मौका नहीं मिलता सेवा करने का, किसी किसी को ये मौका मिलता है। सेवाएं कोरोना काल की बात कहूं मैं तो हमारी जो संस्था है 22,000 मास्क उस टाइम हमने सिले और छोटे से गांव से हमने शुरुआत की और जहां तक पहुंचे वहां तक हमने पहुंचाए। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था और जबकि 150 लोग हमारे यहाँ फंसे थे उनकी सहायता भी हम लोगों ने की और हमारी महिलाओं ने उसमें सहयोग किया है। कोई भी सहयोग करने के लिए हमारे पास नहीं आया, तो जबकि हम लोगों ने बड़े अधिकारी से भी बात करी तो उस टाइम सेवा नहीं दी गई। हम लोगों ने खुद उनका 1.5 महीने में खाना पीना रहना सब खुद स्वयं किया। और चलो ये खैर ये हमारी अपनी वो बात ही, सेवा करने का हमारा जज्बा था, हमने करनी थी हमने किया। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि समाज सेवा में आगे आएं और समाज सेवा करनी जरूरी है। ENTV के लिए बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।